दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को दिल्ली जू के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रोसेस को बताएंगे, क्योंकि इनके सर्वर ठीक से चलते नहीं है, वेब नॉट अवेलेबल इस तरीके पॉपअप आ जाता है, एरर पे आ जाता है। इसलिए आप कोशिश करिए मोज़िला फायरफॉक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने टिकट को बुक करिएगा, आसानी से जल्दी बुक हो जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम आप सभी को मोबाइल से ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रोसेस को समझाएंगे, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन ही होता है। इसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पर आना होगा www.njdpnewdelhi.gov.in। चाहे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट पर लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यहां पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, इनकी वेबसाइट का होम पेज कुछ इस तरीके से है। दोस्तों इस वेबसाइट के माध्यम से आप यहां के कुछ और भी इन्फॉर्मेशन समझ सकते हैं। फिलहाल टिकट को बुक करने के लिए आपको यहां पर लॉगिन करना होगा। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर इसके बाद नीचे इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करना होगा। ध्यान रहे, आप अपनी ईमेल आईडी जरूर फिल करिएगा, क्योंकि आपके पास टिकट बुक करने के बाद उसका स्लॉट मेल आईडी पर भी भेजा जाएगा। यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल जैसे कि नेम, जेंडर, एज, ईमेल फिल करने के बाद कंटिन्यू टू बुक पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करके वेरीफाइड टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एंट्री फी के लिए पेज नजर आएगा। यानी कि यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने लोग जा रहे हैं, आपकी कितनी एज है, ठीक है, कौन सा टिकट लेना चाह रहे हैं। उस हिसाब से यहाँ पर आप क्वांटिटी सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका अमाउंट सेट हो जाएगा। फिलहाल हम दो लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर दो लिखेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर देख सकते हैं बगल में टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। इसी तरीके से आपके साथ में कितने लोग इस जू में जाने वाले हैं उनकी क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका टोटल अमाउंट नजर आएगा। और सीनियर सिटीजन के लिए अलग से है, उस कॉलम में फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे देख रहे हैं फिल्मिंग चार्ज पर डे के लिए इनका चार्ज है, यानी कि आप यहाँ पर शूटिंग वूटिंग सॉन्ग का करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर चार्ज दिया जाएगा। सभी डिटेल को सही सही फिल कर लेने के बाद ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपसे डेट और टाइमिंग के लिए बोला जाएगा, यानी कि किस डेट में और किस टाइमिंग पर आप जू में जाना चाहते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा, यानी कि यहाँ से आपको पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। सिंपल मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इनका पेमेंट गेटवे आ जाएगा, तो आप यहाँ पर किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करने वाले हैं। पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो आपका टिकट यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि आपको इसी बारकोड को स्कैन कराना है, उसके बाद आपको जू के अंदर प्रवेश करने के लिए अनुमति दे दिया जाएगा। यहाँ पर चाहे तो आप इसी बारकोड को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपने जो मेल आईडी दिया होगा उस मेल आईडी पर भी आपका टिकट भेज दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने समझा दिल्ली जू के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कैसे किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल पर अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर से किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।